वेलकम टू डिस्कवरी चैनल एंड आप लोग देख रहे हैं मैन वर्सेस वाइल्ड। सो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम रिम्बिक एंड अभी इट्स राइट नाउ 9 बज चुके हैं। अभी उठा हूँ, कल रात को बहुत थक गया था, दिन भर राइड एंड वेल आज का प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो उठ जाऊँगा, ब्रश करूँगा, फिर होगा ब्रेकफास्ट, तो यहाँ का छोटा टूर एंड उसके बाद विल हेड टूवर्ड्स बुद्धिस्ट टेम्पल। और बुद्धिस्ट टेम्पल जाने के बाद सिंगालीला नेशनल पार्क एंड शायद जोरथांग होकर जाएंगे। जो रास्ता से आए थे उस रास्ते नहीं जाएंगे क्योंकि मालूम है आपको क्या हो गया था मेरे साथ इसके साथ। वेल मिलते हैं नेक्स्ट मोड यानी कि ब्रशिंग मोड में। तो एक्चुअली क्या है ये निकल तो ब्रश है वंदिर ब्रश है यार ये भी निकल का इसका नहीं है इसका है इसका पेस्ट किधर है पेस्ट दिखने में अंकल जैसा ब्रश बत्ता जैसा क्या है। सो एक्चुअली अभी अभी उठाओ सो अभी उठने का मन ही नहीं कर रहा लेकिन क्या करे उठना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैक्सी गुड मॉर्निंग मान्छे अर्को जस्तो त स्टाइल यस्तो छ त अनि त्यसको त सो अब देख्थ्यो भ्यू के छ दिखता है चारो तर पहाडी पहाड एन्ड बेसिकली सिक्किम एन्ड नीचे रिम्बिक बजार वेस्ट सिक्किम हो यो तो वो रहा वेस्ट सिक्किम अन्त अरू उता खै कहाँ क्या आप कर सकते हैं देखें तो रात को फायर वहीं पर एंड अभी इतना सर दर्द कर रहा है सिर नहाने के बाद ही जाऊंगा तो अभी डेंटल एंड ब्रश भी करना है। तो साइड सिक्किम एंड यही है होम स्टे दैट्स मेन किचन और वो गेस्ट रूम एंड ये जो सेक्शन एंड ये जो सेक्शन इट्स कम्प्लीटली होम स्टे एंड अभी ब्रश करना है। सो अभी ब्रेकफास्ट भी आ गया लेकिन ब्रश ही नहीं किया। तो आज का ब्रेकफास्ट एग आलूदम एंड इसको बेसिकली टिबेटन ब्रेड बोलते हैं सिर्फ मैं बचाओ सबने खा लिया कतिवटा भयो दुई दुईवटा स्टिल काउन्टिङ है मेगाबाइट काउन्टिङ है तिन तिन हो गया तिन थोड़ा फ्रेश लग रहा है एंड अभी लेट्स मूव ऑन टू द बुद्धिस्ट टेम्पल एंड सिंगालीला नेशनल पार्क
तो होमस्टे का रास्ता यही है, देख लीजिए। एंड वेदर कुछ अच्छा है आज, एंड लेट्स सी, होप करते हैं कि ये वेदर हमारे साथ ही रहे बिल्कुल ऐसे ही। तो मेन रोड यही, एंड इधर से थोड़ा आगे कट मिलेगा, उधर से जाना पड़ेगा। सो इधर से लेना पड़ेगा गुम्बा के लिए। एंड एक्चुअली नहीं, सर दर्द कर रहा है मेरा। अच्छा लुक कैसा दिखता है, एंड मिलते हैं मोनेस्ट्री में। सीधे जाने से पहले ये दिखाना चाहता हूँ, टाइप ऑफ इको विलेज तो ऑर्गेनिक गार्डन से ही बोलते हैं, सीनी बीन्स, तो इधर बीन्स का खेती। एंड घर कुछ ऐसे टाइप का होता है, स्टेबल लुक, और ये सब आप जितने भी देख रहे हैं इट्स ऑल ऑर्गेनिक। एंड दार्जिलिंग मेन बाज़ार में जो ऐसा ऑर्गेनिक सामान बेचते हैं यहीं से लेके आते हैं। होप तो नहीं, मिनट में 80% रिम्बिक से ही आता है सब। सक्सेसफुल रहा है ट्रेकिंग, तो उधर जो सफ़ेद बिल्डिंग है उससे वो सिक्किम देखिए, दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट सीट, इन नेपाली हम इसे सीट बोलते हैं। और मैं जहाँ फिसला था ऐसे टाइप में, ओह माय गॉड, तो आप यही देख लीजिए व्यू, टू मेस्मराइजिंग। आई एम वॉकिंग ऊपर गार्डन, नीचे जंगल, बीच में चल रहा हूँ मैं। पता नहीं कि गुम्बा बोलते हैं मोनेस्ट्री को, तो पता नहीं गुम्बा कब आएगा, और मोनेस्ट्री जाने के बाद सीधे यहाँ से अप्रॉक्स 4 किलोमीटर सिंगाले लाना है नेशनल पार्क, और उधर भी होगा ट्रैक जैसा। अभी सांस फूल रहा है। तो हम जिस होम स्टे आए उसका सब लिंक एंड डिटेल्स नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन जस्ट चेक दैट। रास्ता घूम फिर के वही रास्ता भटक गए यहाँ वो। चल चल चल, तो भी मोनेस्ट्री एंटर हो चुके हैं। एंड हैव अ लुक, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा है, स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट।
मैं भी एक बार करना चाहता हूँ. दिस इज माई फर्स्ट टाइम डूइंग दिस. तो बेसिकली इसको कुछ देखने में आसान होता है. बस हो गया. तो बेसिकली इसको तीन बार करना चाहिए. एंड इधर बड़ा वाला भी है. तो बड़ा वाला कुछ ऐसा दिखता है. ज़रा इधर भी गौर फरमाए. तो मयूसी का थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है. एंड ये सिर्फ दिखने में ही आसान लगता है. सिर्फ अभी एक राउंड कंप्लीट फाइनली एक राउंड कंप्लीट हो चुका है. एंड ज़रा व्यू पर गौर फरमाए. तो बाकी मोनेस्ट्री से थोड़ा डिफरेंट लगा स्ट्रक्चर. एंड वहाँ नीचे भी है. तो एक्चुअली इधर म्यूजियम भी है लेकिन नौ छू देना था. इट्स लॉक राइट नाउ. सो अभी ये खुल चुका है. अम्बो सीरिंग है भाई. देखिए म्यूजियम के अंदर सब एवरीथिंग इज पैक्ड एंड सील्ड. एकदम ओल्डेस्ट बुक्सहरू यो चाहिँ हो. किताब पो हो यो चाहिँ. अब लिएको बुक्सहरू पनि छ. दिस इज बुक्स. मुझे लग रहा था कुछ और ही है. ठंडी हवा ऊपर भी है. पिलर द मैसिव चेस्टनट हिडन पिलर बिलोंग्स द होल मोनेस्ट्री. इट वॉज प्लेस्ड एट द एंट्रेंस of main guru something. There are pillar and railing bars hai kuch photo monastery ka. And these are something. To ye raha nails. These nails were belong to the previous building. So actually ye naya build hua hai. अभी अभी पता चला क्योंकि उसमें ही कहा है दैट बिलोंग्स टू द प्रीवियस. एंड अभी आप जो देखने वाले थोड़ी देर बाद आप ये भी देखेंगे. तो ये कुछ ऐसे बनाया जाता है. परफेक्ट एग्जांपल. हैंडमेड एवरीथिंग. तो सब कुछ हैंडमेड. एंड सो ये रहा थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स. एंड पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में लेकिन नेपाली में शंखा बोलते हैं. एंड इंग्लिश में सेल. सो ये भी रहा इंस्ट्रूमेंट्स. एंड इसका काम ड्रम जैसा है. बड़ा वाला ड्रम. तो इस मोनेस्ट्री का वुडन स्ट्रक्चर. हम जिस मोनेस्ट्री में है इसका वुडन स्ट्रक्चर भी है इधर. तो डिजाइनिंग कुछ ऐसे हुआ था. एंड दिस आर ऑल फोटोग्राफ्स. और ये क्या है. यंगम और वेल्थ बॉक्स. सो एक्चुअली अगर आपको पता नहीं था कि ये कैसे मूव होता है तो हैव अ लुक. इसको पकड़ के तो इसकी मदद से ही सब होता है. ग्रीस और बेरिंग. सो जैसे मैंने कहा था और फोटो में भी दिखाया था वही मोनूमेंट के बारे में ये बात कर रहा हूँ. एंड अभी आपने जो क्लिप देखा
वो उसी मोनोमेंट का है एंड नो मोनेस्ट्री का सब टूर खत्म हो गया. सो वी विल हेड टुवर्ड्स सिंगालीला नेशनल पार्क एंड कैच यू ऑल अप देयर. देख लीजिए एक बार, पता नहीं क्या लिखा हुआ है लेकिन पढ़ के अच्छा लगता है. तो अगर आप रिम्बिक साइड से आए तो दिस विल बी द वे. और इट्स बहुत कंफ्यूजिंग होता है, दो तीन बार रॉन्ग वे चले गए और इतना बड़ा कुत्ता था. वरना ऐसे भी कर सकते हैं वहाँ से आ गए तो. सो यही रास्ता जाता है सिंगालीला नेशनल पार्क, होप करता हूँ कि यही हो. अब जाना पड़ेगा जंगल के अंदर. कम टू डिस्कवरी चैनल लैंड, आप लोग देख रहे हैं मैन वर्सेस वाइल्ड. मैन्स वर्सेस वाइल्ड कितना बड़ा बड़ा पेड़. मेरे साथ ही ऐसा होता है हमेशा, यही दुआ है कि मेरा सांस ना फूले. सो एक्चुअली आज न्यू ईयर है तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. तो चलते चलते लेके इधर गंदा, बट वहाँ नीचे तो दिखाई दे रहा है. शायद अब सिंगालीला ज़्यादा दूर भी नहीं है क्योंकि वाटर भी मिल गया. हेलो, नेटवर्क भी नहीं है एंड अभी अराउंड 3 किलोमीटर तक चल चुके हैं एंड हालात कुछ ऐसा हो गया मेरा, देख लीजिए. चलिए बहुत देर भटकने के बाद 2-3 किलोमीटर भी चले ऑब्वियसली तो रहा फॉरेस्ट बंगलो एंड फाइनली सिंगालीला का रूट मिल गया और लोग भी. सो फॉरेस्ट बंगलो के लिए दिस वे एंड फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा. सैड लाइफ. यही है, जस्ट फाइंड आउट ये फॉरेस्ट बंगलो कहाँ है एंड थोड़ा ऊपर आएंगे तो संदकपुर या सिंगालीला एंड संदकपुर एक्सेट्रा. मुंशे ने आग दिया था, यहाँ नेस्ट भी है एक बर्ड्स. सो यू कैन जस्ट बुक एनी गाइड इफ यू वांट, वरना हमारी तरह भटकते भटकते. सो मेन रास्ता भी मिलेगा फॉर व्हीकल्स एंड ऑल, तो हम लेंगे शॉर्टकट एंड बेसिकली आप व्हीकल से भी आ सकते हैं. आई थिंक 2 व्हीलर शायद उधर मैंने मंजिंग से अलाउड नहीं है, इधर से आ गए तो क्या कुछ हो सकता है. प्लान में छोटा चेंज, हम नहीं जा रहे हैं सिंगालीला क्योंकि एक्चुअली घर भी आज ही रिटर्न होना है तो अभी टाइम बहुत लगेगा बोल रहा था वो गाइड. सो विल रिटर्न एंड आप लोगों को मेन वे दिखा दिया वो नीचे से एंड यहाँ से चढ़ने के बाद यू नीड टू टेक दिस रूट सीधे. सो जो मेन रोड था वो व्हीकल वाला, वहाँ से जाएंगे और दिखा देंगे आपको रूट. इट्स टू हॉट. तो अभी मेरे हाथ में क्या है मुझे भी मालूम नहीं है कि क्या है. यूजली ये जो आप ऊपर पेड़ देख रहे हैं इसका ही फल है बट इट्स नॉट ईटेबल, इसका नाम मालूम नहीं है क्या.
एनीवेज छोड़ दिया मैंने उसे छोड़ दिया सो मैंने उसे छोड़ दिया आई मीन टू से यही रास्ता मेन रोड एंड शायद दिल करेगा तो मोटो ब्लॉग होगा वरना सो यहाँ पर मेन रोड ये रहा एंड नर्सरी भी है इधर अंदर तो नहीं जाएंगे शायद शायद पता नहीं क्या कुछ हो सकता है कुछ भी हो सकता है इट्स 2021 अंदर जा भी सकते हैं एंड बेसिकली आज ये ऐसा लग रहा है कि जंगल से अभी मुर्गा निकला सो उस मशीन से सब कुछ काटा जाता है एंड ये किसका है शायद सिंह कोना भी हो सकता है इधर लाइक हमने उसमें देखा सीटोंग जाते वक्त एंड मेन गेट ये रहा सो ये पूरा नर्सरी फार्म रिम्बिक सेंट्रल नर्सरी रिम्बिक सेंट्रल नर्सरी अंडर रिम्बिक FMU सो देख लिया आपने तो ऐसा कुछ रास्ते में मिलेगा ऑफिस ऑफ फॉरेस्ट रेंजर दिस साइड एंड दिस साइड टू द पार्क सो जस्ट राइट बैक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड एंड अभी यानी नांगलो होम स्टे एंड थोड़ी देर बाद लंच होगा लंच ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर बैठेंगे एंड प्लान करेंगे कि कौन सा रूट बेटर होगा सो विल इन्फॉर्म यू लेटर ऑन कि कौन सा रूट लेंगे हम लोग अभी इट्स टाइम टू लीव एंड बेसिकली यही है नांगलो और जस्ट लेट्स चेक कुछ सामान तो नहीं भूल गए सो दैट्स ऑल उनको पास में चलो गोयल था मुझे हम समझो मुझे हुन्छ त भेट्दै गरौँ सो बेसिकली हो सिक्किम साइड एन्ड फिलहालका रुट प्लान हो चुका है एन्ड विल बी गोइङ बिजनबारी हो कि तो जस्ट एक बार देखान चाहता हुँ सो यसमै वो एउटा रातको बोनफायर एन्ड बेसिकली ये सब एरिया होमस्टे का ही है तो एज सेड सब लिंक रहेगा नीचे एंड इफ यू वांट टू डू विजिट रिम्बिक यू कैन जस्ट चेक आउट एंड बुक तो भी मोटो व्लॉग तो नहीं होगा बेसिकली सिर्फ यही एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सांस फूल रहा है सो आज का वीडियो में यही था एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर फर्दर मोर अपडेट्स एंड गिव इट अ थम्स अप एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2021
वाटरप्रुफ हो यो तो एक्चुअली हमारे थे इस रास्ते एंड होमस्टे इस रास्ते ऊपर तो रिम्बिक बाज़ार सीधे होप फॉर द बेस्ट। अब मैकेनिक शॉप भी ढूंढना पड़ेगा। तो अभी जो आपने देखा वो किसी टूरिस्ट का काम नहीं, ये हमारा लोकल का ही काम है, थ्रोइंग बियर्स बॉटल एंड रैपर्स। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको डस्टबिन ना दिखे तो प्लीज़ कीप इट इन योर पॉकेट एंड मेक श्योर यू क्लीन द एनवायरनमेंट। एंड यही था आज का वीडियो, एंड इफ़ यू डू लाइक प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।